दोस्तों, आज से लाखों साल पहले हमारे धरती पर दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर मौजूद थे, जो आज के जानवर से भी ज्यादा खतरनाक थे। हमारे धरती पर सबसे खतरनाक जानवर हम शेर को मानते हैं, पर इनसे भी खतरनाक जानवर उस टाइम हमारे धरती पर मौजूद थे। अगर वे जानवर विलुप्ति का शिकार ना होते तो धरती पर इंसान मौजूद ना होता। तो हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे खतरनाक जानवर के बारे में जो अभी विलुप्त हो चुके हैं। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। नंबर 5, डायनोथेरियम। डायनोथेरियम आज के हाथियों का एक बहुत ही बड़ा रिश्तेदार था, जो धरती पे लगभग 1 से 10 करोड़ साल पहले तक पाए जाते थे। इनके फॉसिल पहली बार 18वीं शताब्दी में खोजे गए थे, तभी इसका नाम डायनोथेरियम रखा गया था। यह हाथी आज के हाथियों से 2 गुना विशाल और भीमकाय दिखते थे। इनकी हाइट की बात करें तो इनकी हाइट 20 फीट तक लंबी और इनका वेट 12 टन तक था। आपको बता दूं, 1 टन मतलब 1000 किलोग्राम होता है। तो दोस्तों, इनकी उत्पत्ति यूरोप से शुरू हुई थी। आज के हाथियों की तुलना में इनके दांत नुकीले और निचले जबड़े के नीचे की ओर झुके हुए थे। इनके विलुप्ति का कारण जलवायु परिवर्तन बताया जाता है। नंबर 4, टाइटनोबोआ, द बिगेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड, जिसे सबसे बड़ा सांप कहना बुरी बात नहीं है। आपको बता दूं, यह एक विशालकाय सांप की प्रजाति है, जो 6 से 7 करोड़ साल पहले दक्षिण अमेरिका, कोलंबिया और पेरू के कुछ इलाके में पाई जाती थी। इसके फॉसिल दुनिया के सामने पहली बार 2009 में कोलंबिया की माइन में खोजे गए थे, और उसी साल इसका नाम टाइटनोबोआ दिया गया था। यह सांप 50 फीट तक लंबा और इसका वेट लगभग 2 टन तक पाया गया था, और यह जीव पानी के अंदर ही समय बिताते थे। आज भी कुछ लोग दावा करते हैं कि अमेज़न के जंगलों में यह जीव अभी भी जीवित है। तो दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो कर भी दो जल्द से भी। नंबर 3, कैलिकोथेरियम। यह एक मेगा फौना स्तनपाती जानवर है, जो लगभग 50 लाख से 1.5 करोड़ साल पहले हमारे धरती पर पाए जाते थे। इसके फॉसिल को सबसे पहले 19वीं शताब्दी में खोजे गए थे। यह जीव एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के मैदानी इलाकों में पाए जाते थे, जो 9 फीट ऊंचे और इनका वेट लगभग 1 टन तक होता था, जो दिखते तो घोड़े की तरह थे और ये जीव शाकाहारी भी थे। नंबर 2, सार्कोसुकस। सार्कोसुकस की बात करें तो यह अपने काल का विशालकाय और बहुत ही खतरनाक मगरमच्छ था। इसके सबसे पहले फॉसिल 1950 में सहारा रेगिस्तान में खोजे गए थे। यह मगरमच्छ 40 फीट तक लंबे होते थे और इनका वेट लगभग 15 टन तक होता था। उस समय यह इतने विशाल और खतरनाक होते थे कि अपने से बड़े जानवर पर भी अक्सर हमला कर दिया करते थे, लेकिन समय के साथ यह जानवर विलुप्ति का शिकार हो गए। नंबर 1, स्मिलिडोन। अगर आप सोचते हैं कि लॉयन और टाइगर खतरनाक है तो यकीन मानिए, इनसे भी ज्यादा खतरनाक जानवर 25 लाख से लेकर 10,000 साल पहले तक पाए जाते थे। इनके फॉसिल 19वीं शताब्दी में खोजे गए थे और इसे इसका नाम स्मिलोडॉन दिया गया था। इस जानवर के आगे के नुकीले दांत इसे सबसे डरावना बनाते थे। यह इनका इस्तेमाल पेड़ की शाखाओं से कूदकर अपने शिकार को दबोचने के लिए किया करते थे। वैज्ञानिकों को पूरे समूह के फॉसिल एक साथ मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यह जानवर अकेले नहीं बल्कि शेरों की तरह समूह में रहकर शिकार किया करते थे। तो दोस्तों, आपको इन जानवरों के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।